हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी पर कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चन जो थ्योरम ओरिएंटेड होते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ थ्योरम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया था और इसमें भी हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 cos x, है ना। आर टू आर एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की डेफिनेशन है 2x + 3 cos x। प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ सी इक्वल टू 10 वेयर सी बिलोंग्स टू आर, यानी आपको ये शो करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम एक पॉइंट पर 10 वैल्यू जरूर लेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करनी पड़ती है। हमें ये शो करना पड़ेगा ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 10, ये फंक्शन की रेंज के अंदर आ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ता है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और नो डाउट ये कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इसमें से एक पॉलीनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है, दूसरा कोसाइन फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस होता है, एंड द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो लिख दीजिए क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर। कंटिन्यूअस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का ग्राफ जो पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस आएगा एंड। अब मेरे को फंक्शन की रेंज पर कमेंट करना है, तो ये तो कोसाइन फंक्शन ये -1 से 1 मूव करता है और ये 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो मैं एक लिमिटिंग केस लगा रहा हूं। अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी टेंड करा दूं तो ये तो -1 से 1 के बीच होगा, लेकिन ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो जब मैं एक्स को बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला इन्फिनिटी को ले जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू में इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगी, एंड इफ अगर मैं x को कम करता चला जाऊं -infinity टेंड करा दूं देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म -2x ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू व्हाट, -infinity। तो फंक्शन की रेंज देखिए, फंक्शन प्लस इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, -infinity तक भी जा रहा है, और फंक्शन का ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी -infinity से प्लस इन्फिनिटी तक का नेटवर्क है फंक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी पॉइंट पर 10 वैल्यू भी जरूर लेगा। हेंस IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर एस टी मीन सच दैट एफ सी इक्वल टू 10। तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें एक लिखने का मैनर होता है, एक अप्रोच होती है, बस वो ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स आपको दिया हो 5x^8 ax^5 bx^2 -cx - 10, है ना। एक 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, एबीसी रियल नंबर है, 2 पर वैल्यू 5 आ रही है, 4 पर -5 आ रही है, देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो मतलब मुझे इस पॉलीनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स का मतलब रियल रूट लिख दीजिए, रूट का मतलब ही हम आपसे रियल रूट पूछ रहे हैं। अगर रियल की बात नहीं करें तो ऑब्वियस ये बात है 8 डिग्री की इक्वेशन है तो 8 रूट आएंगे रियल और कॉम्प्लेक्स मिलाकर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है ना। चलिए करते हैं डिस्कस, तो रफली ग्राफ बनाते हैं। देखिए 2 पर वैल्यू 5 आ रही है, 2 पर वैल्यू क्या आ रही है 5 इस हाइट पर आ रही है, 4 पर वैल्यू क्या आ रही है -5 आ रही है, 4 पर वैल्यू -5 आ रही है, ये क्रॉस आ रहा है ना। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एक ऑब्जर्वेशन तो मैं ही लगा लेता हूं इसमें। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म गिवन है ना, तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली 0 पर वैल्यू क्या आएगी -10, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। x को जैसे मैंने 0 पुट किया 0 पर वैल्यू क्या आ गई -10, यहां पर आएगा ये 0 पर -10, ठीक है। अब इन तीन के अलावा मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूं ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जब मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी डालूंगा तो भी एफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो भी एफ एक्स किसको टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को, है ना। यहां से देखा लीडिंग कोएफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है ना, तो ये ध्यान देना है कि इन्फिनिटी पर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू तो इन्फिनिटी पर कहां जा रही होगी, इन्फिनिटी की साइड, माइनस इन्फिनिटी पर देखेंगे तो भी फंक्शन कहां जा रहा होगा प्लस इन्फिनिटी की साइड में। केवल हमें लीडिंग कोएफिशिएंट देखना होता है। When we are talking about very very large values of x, then the value of the polynomial function only depends on the leading term. जब हम infinity की बात करते हैं तो हमें बाकी से कोई मतलब, केवल इससे मतलब, plus infinity डालो तो plus infinity देगा, minus infinity डालो तो भी plus infinity देगा। चलिए अब यहां से ग्राफ डिक्रीज करेगा 0 पे कहां पे आ रहा है, यहां तक, क्योंकि हमें मिनिमम बात करनी है ना। तो यहां से यहां क्या, अब 0 पर निगेटिव वैल्यू, 2 पर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक रूट 0 से 2 के बीच में आ जाएगा,
टू पर पॉजिटिव है, फोर पर निगेटिव है, ऑब्वियसली एक रूट टू से फोर के बीच में आएगा, फोर के आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब फंक्शन को कहां तक जाना, अपर से नीचे तक जाना है, तो अब ये इसके वेलोसिटी से ऊपर निकल गया, वॉट की तक पहुंच गया, हमारी बात समझ। मिनिमम ऐसा ग्राफ तो आएगा ही आएगा, और ये बात तो चौपल में, तो रूट की बात करें, कंफर्म रूट की बात करें, तो एक रूट निगेटिव आएगा, एक जीरो से टू के बीच में आएगा, एक टू से फोर के बीच में आएगा, और एक फोर से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपसे क्लियरली नहीं पूछेगा टोटल कितने रूट है, वो पूछ ही नहीं सकता, बिकॉज वो रूट का होना वो डिपेंड करता है एबीसी पर, है ना। तो हमेशा से ये पूछेगा मिनिमम कितने रूट आएंगे, समझ में आएगा, तो मिनिमम श्योर है कि इतने रूट तो आएंगे आएंगे। तो एक रूट जो होगा इसमें आएगा, एक रूट माइनस इनफिनिटी से जीरो में आएगा, एक जीरो से टू में आएगा, एक टू से फोर में आएगा, और एक फोर से इनफिनिटी में आएगा, बिकॉज हर इंटरवल में आईबीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव है, तो इन दोनों बीच में कट आएगा, यहां पर निगेटिव है टू पर पॉजिटिव है, बाई आईबीटी रूट एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द इंटरवल, हैंस टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना रूट आ जाएंगे, बिंदु फोर, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assume that f, g दो फंक्शन है, दोनों के डोमेन सेम है, a, b से r में दोनों फंक्शन डिफाइंड है और दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, such that f of a less than g of a, यानी f of a g से छोटा है and f of b g b से बड़ा है, a पर f की हाइट g से कम है, b पर f की हाइट g से ज्यादा है, prove that there exists a point x naught in this interval for which f of x naught equals to g of x naught, ये प्रूफ करना है। यानी a पर f की हाइट g से कम है, b पर f की हाइट g से बड़ी है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर दोनों की हाइट सेम आ रही होगी, है ना। तो भाई यार थ्योरम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम लोग एक फंक्शन डिजाइन करेंगे, f और g पिक्चर में गिवन है, तो मैंने एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर लिया, इनके इसको उधर शिफ्ट कर दो, एक डिफरेंस फंक्शन ले लो, एक फंक्शन ले लिया fx - gx, और इसकी टेस्टिंग हम करेंगे क्लोज्ड इंटरवल a से b में, इस इंटरवल एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या hx जो मैंने फंक्शन डिजाइन किया क्या ये कंटिन्यूअस है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस, बिकॉज fx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ये तो क्लियर hx कंटिन्यूअस है ना। अब क्या करेंगे, इंटरवल के एंड पॉइंट पुट करके साइन चेक करो, एक बार x को a पुट कर दो, a पुट करो तो क्या आएगा, f ऑफ a माइनस g ऑफ a, f ऑफ a माइनस g ऑफ a का साइन कैसा है, निगेटिव है, तो h ऑफ a निगेटिव आ गया। a पर x को b पुट कर दो, x को b पुट करो क्या आएगा, f ऑफ b माइनस g ऑफ b, तो f ऑफ b माइनस g ऑफ b का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो एच एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और a और b पर साइन अपोजिट है, ये a है ये b है, a पर साइन निगेटिव है, b पर साइन पॉजिटिव है, जब ग्राफ यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो कम से कम एक पॉइंट पर तो कट करेगा ही करेगा, हेंस माई आईडीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट h ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक पॉइंट पर एच एक्स की वैल्यू जीरो जरूर होगी, पर मैंने एक्स नॉट बोल दिया। अच्छा अब आप एक्स को एक्स नॉट पुट कर दीजिए, तो एक्स को एक्स नॉट पुट करेंगे तो इस पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये भी एंड हो गया, और प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक
कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक विद पीरियड टी, ऑब्वियसली बात है पीरियड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, टी ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट देयर इज एक्स नॉट, देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. एफ आर इन टू आर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, पीरियोडिक है, कंटिन्यूस भी है पीरियोडिक है, पीरियड उसका कितना है टी, टी उसका पीरियड है. अगर उसका टी पीरियड है तो प्रूव करना है कि रियल नंबर में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी टी बाई टू डिस्टेंस पर ये वैल्यू सेम आएगी. अगर टी पीरियड है तो टी बाई टू पर सेम वैल्यू आएगी, है ना. चलिए कम से कम एक पॉइंट, हर पॉइंट के लिए कम से कम एक पॉइंट के लिए देखते हैं. तो वही करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट करके मैंने फंक्शन डिजाइन कर दिया, एक्स नॉट को जनरल नेम एक्स दे दिया और इसको इधर शिफ्ट करके एक नया फंक्शन जी एक्स डिफाइन कर लिया. मैंने ये फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स प्लस टी बाई टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, और किस इंटरवल के लिए किया मैंने, जीरो से टी के लिए. अब इसमें एक बार, अच्छा ये तो क्लियर है यार, कंटिन्यूस को लेकर कोई डाउट नहीं, दोनों कंटिन्यूस है तो पूरी पिक्चर कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूस कंटिन्यूस तो है. अब एक बार x को जीरो पुट कर दीजिए, g ऑफ जीरो क्या आएगा, f ऑफ t बाई टू माइनस एफ जीरो, है ना. और एक बार x को t बाई टू पुट कर दीजिए, तो जैसे x को t बाई टू पुट करेंगे तो एफ टी बन जाएगा, एफ टी माइनस f ऑफ t बाई टू. लेकिन फंक्शन का पीरियड t है, तो फंक्शन का पीरियड अगर t है तो इट मीन्स f ऑफ x प्लस t इक्वल्स टू एफ एक्स होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, है ना. तो ये इसको होल्ड करेगा. अगर मैं x को जीरो में पुट कर दूं, पुट x इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स f t इक्वल्स टू f जीरो, फॉलो कर रहे हो गया. तो इस f t को मैं क्या बोल सकता हूं, f जीरो बोल सकता हूं. तो देख लो यार, यहां पर वैल्यू क्या रही है, एफ ऑफ टी बाई टू माइनस एफ जीरो, यहां पर वैल्यू है एफ जीरो माइनस एफ ऑफ टी बाई टू, यानी इसका निगेटिव आ रहा है. अगर ये वैल्यू फाइव है तो ये वैल्यू क्या माइनस फाइव, तो इसका मतलब है जीरो टी बाई टू पर जी का साइन अपोजिट है, जीरो टी बाई टू पर जी का साइन अपोजिट है, हेंस वाई आई बी टी. देयर इज जस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू जीरो से टी बाई टू, एक्स नॉट किस सेंटर बिलोंग करेगा, जीरो से टी बाई टू सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बोलने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं जी ऑफ एक्स नॉट को जीरो बोलता हूं ये रहो पर एफ ऑफ एक्स नॉट कंडीशन प्रूफ हो गई, सही है क्या. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा यहां पर कुछ लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, अब कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना होता है जैसे g जीरो प्लस जी ऑफ टी वाई टू निकाले तो जीरो आ रहा है, है ना. तो दो पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यूज का सम जीरो है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, समझ में आया क्या. तो जीरो भी रूट हो सकता है और टी बाई टू भी रूट हो सकता है, क्योंकि अगर जी जीरो जीरो होने का मतलब हो गया कि टी बाई टू और जीरो पर वैल्यू सेम हो सकती है, है ना. तो आप ऐसा भी देख सकते हैं मोर प्रिसाइस अगर आप यहाँ पे इंटरवल क्लोज लगा दें, है ना. और क्लोज लगाना इसलिए गलत नहीं है क्योंकि अगर कोई चीज ओपन इंटरवल में ट्रू है तो क्लोज में तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगी, समझ गए क्या. ऐसा लिख सकते हैं. एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अ फंक्शन एफ a
फंक्शन एफ फ्रॉम ए कॉमा बी टू आर इज कंटिन्यूअस प्रूव दैट गिवन एक्स वन एक्स टू एक्स टेन belongs to open interval a comma b, they exist x naught belongs to open interval a comma b such that f of x naught equals to 1 by n f of x1 plus f of x2 plus f of xn something like that. ये क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं. f a कॉमा b से R में कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, और प्रूव करना है कि अगर हम इस इंटरवल को n पॉइंट पिक करें x1 x2 xn है ना, तो इन n पॉइंट के चॉइस के करेस्पॉन्ड इसी इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन फंक्शनल वैल्यू का अर्थमेटिक मीन आएगी, यानी इसका मीन वैल्यू जो आ रही है वो भी किसी न किसी पॉइंट पर अचीव हो रहा होगा. वैसे कंसेप्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सी बात, ऐसा तो होगा ही होगा क्योंकि मीन हमेशा डेटा के अंदर लाई करता है. समझ में आएंगे, चलिए देखते हैं. तो मैंने लेट कर लिया. अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट ए से बी के अंदर दे रखे हैं है ना, तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर लिया, लेट एफ एक्स वन fx2 up to so on fxn, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इनमें कोई ना कोई एक मिनिमम एक वैल्यू मिनिमम आ रही होगी, इस मिनिमम वैल्यू को मैंने स्मॉल m लेट कर दिया एंड मैक्सिमम ऑफ दिस fx1 fx2 fxn कोई ना कोई इन एन नंबर में मिनिमम होगा, कोई ना कोई वैल्यू सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी वैल्यू को स्मॉल एम, सबसे बड़ी वैल्यू को कैपिटल एम बोल दिया. और ये बस अन्य तो क्लियर है कि मीन जो होता है वो हमेशा डेटा के बीच में लाई, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में लाई करता है. देन क्लियरली वन बाई एन एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू ये जो आएगा है ना, तो इनका जो मीन आएगा वो हमेशा इस इंटरवल के अंदर ही आएगा. अगर मैं ये मान के चलिए डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो अगर इनका मीन इस इंटरवल के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई डोमेन में ऐसा पॉइंट, और ये इंटरवल ऑब्वियसली किसका होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा है ना, तो ये इंटरवल जो है रियल नंबर का सबसेट है. देन वाई आईबीटी हमें यही दिखाना पड़ता ना कि ये जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की रेंज के अंदर आ रही है, ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है तो फंक्शन की रेंज तो कंप्लीट रियल नंबर है. तो आप कुछ भी ले लिया, मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा और अच्छे से स्मूथली एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम ले लिया है. वैसे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं देखते अपन, बोलेंगे मीन डेटा के अंदर लाई करता तो उसी के अंदर ही होगा. हेंस व्हाई आईबीटी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट there exists a point x naught belongs to open interval a b such that f of x1 plus f of x. ठीक है क्या, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट प्रूव दैट एक्स इंटू टू रेस पर एक्स इक्वल टू वन हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट which is
मुझे प्रूव करना है इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक पॉजिटिव रूट आएगा विच इज लेस देन वन, है ना। यानी जीरो से वन में मुझे दिखाना है पॉजिटिव रूट है वन से छोटा, यानी रूट की लोकेशन क्या होगी जीरो से वन। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिजाइन कर दिया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू रेस पर एक्स माइनस वन, है ना। और जीरो से वन में डिफाइन करना है तो उसकी टेस्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ जीरो से वन में करेंगे। कंटिन्यूस है क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉलीनोमियल सारे कंटिन्यूस होते हैं। एक बार एक्स को जीरो डाल दो, जीरो में वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन, और एक बार एक्स को वन डाल दो, वन पे वैल्यू क्या आएगी टू माइनस वन, वन आ रही है, ठीक है ना। तो जीरो पे वैल्यू माइनस वन आ रही है, वन पे वैल्यू प्लस वन आ रही है। तो जब ट्रक यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो कम से कम एक पॉइंट पर तो कट करेगा ही करेगा, यानी जीरो से वन में कम से कम एक रूट जरूर आएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट, मतलब हमें शो करना है कि यहां से यहां तक सिर्फ एक ही रूट आएगा, क्योंकि आईबीटी कहती है जीरो से वन के बीच कम से कम एक रूट का मतलब एक रूट भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ रूट। लेकिन यहां पर प्रिसाइसली बोला गया आपको प्रूव करना है एग्जैक्टली एक ही रियल रूट है। तो इसके लिए अब आपको ये शो करना पड़ेगा कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वाला एक ही कट लगाएगा। तो हम इंक्रीज डिक्रीज कैसे चेक करते हैं डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, पता है क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव टू पर एक्स का डेरिवेटिव टू रेस पर एक्स एल एन टू प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। तो अगर हम एक्स को जीरो पुट कर दें, तो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो देखिए जीरो पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है मैं एक्स को जीरो से वन कुछ भी डालूंगा ये सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे। तो देयरफॉर एवरेज एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन। जीरो से वन फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया, तो जब ग्राफ यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो सिर्फ एक ही कट आएगा, यानी इंप्लाइज एफ एक्स इंक्रीजेस फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन। तो फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली एक रियल रूट आएगा, ठीक है बच्चों। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।